हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले। तो आज हम लेके आए तुम्हारे इंडिया का सोडा चोरी का ओपन वीडियो। तो फाइनली गाइस, तुम्हारे इंडिया का सोडा चोरी गेम प्ले फाइनली तुम्हारी स्कॉर्पियो गेटवे का न्यू मॉडल ऐड हो चुका है। अब जो तुम्हारी स्कॉर्पियो गेटवे का मॉडल ऐड हुआ है वो कौन सा मॉडल ऐड हुआ है, मतलब कि क्लासिक में ऐड किया, ओल्ड मॉडल में ऐड किया है। अगर ओल्ड मॉडल में ऐड किया तुम्हारी स्कॉर्पियो गेटवे का न्यू मॉडल, तो आप सब उसे क्लासिक में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब उसका लोगो कैसे चेंज करना है, लाइट कैसे चेंज करनी है, न्यू वाली ग्रिल कैसे चेंज करनी है, ऐसी कौन सी सेटिंग होने वाली है जहां आप सब उसके लुक को चेंज कर पाओगे, वो बताऊंगा इस वीडियो में। और इसके अलावा मान के चलो मैंने अपने गेम प्ले उतार स्कॉर्पियो गेटवे का न्यू मॉडल ले लिया, ठीक है, बट आप सब अपने गेम प्ले में स्कॉर्पियो के गेटवे के मॉडल को कब तक ले पाओगे, उसकी एपीके कहां से डाउनलोड करनी है, कैसे लेना है अपने गेम प्ले में उसका मोड, आप सभी को वो भी बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। एंड इसके अलावा अब ऑल ओवर जितना भी अपडेट है ना अपने गेम प्ले, जितने भी व्हीकल ऐड होने वाले इस अपडेट में, उनका अपडेट आप सभी को फाइनली प्ले स्टोर पर कब तक देखने को मिलने वाला है, तो आज इस वीडियो में ना ये सब चीजें बताने वाला हूं। तो इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहना, और चैनल पर नहीं होता चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। तो चल गाइस लेट्स गो। तो हां तो गाइस, मतलब कि तुम्हारी इंडिया का थोड़ा थोड़ी गेम प्ले में फाइनली तुम्हारी स्कॉर्पियो गेटवे का ओल्ड मॉडल, मतलब कि न्यू मॉडल तो ऐड हुआ है बट इसमें लाइट चेंज कर दी है। अगर आप सभी ने देख रहे होगे, तुम्हारा जो लोगो है ना वो ओल्ड स्कॉर्पियो का है। अब इस लोगो को कैसे कन्वर्ट करना है तुम्हारी न्यू स्कॉर्पियो में, एंड इसका ग्रिल कैसे चेंज करना है, लुक जो है तुम्हारा फुल कैसे चेंज करना है, और पीछे का जो रूफ है ना वो कैसे हटाना, जो ब्लैक ब्लैक रूफ लग रहा है ना उसको हटाने का ऑप्शन ऐड हुआ या नहीं हुआ वो भी हम चेक करने वाले हैं। एंड जो तुम्हारे ओरिजिनल व्हील है ना अभी इस पर नहीं है अप्लाई हुए तुम्हारी स्कॉर्पियो गेटवे पर, जब फुल ग्लिच सही करेंगे। अभी क्या है, हमने तुम्हारे मॉडल ऐड कर दिए, मैं आप सभी को बता चुका हूं कि जो तुम्हारे गेम पे ना काम बंद हो गया तुम्हारे 15 दिन के लिए, रीजन मैंने आप सभी को दे दिया, मैं हर एक वीडियो में वन बाय वन आप सभी को नहीं बताता था इस चीज को, ठीक है ना। मैं आप सभी को ऑलरेडी मतलब गेम डेवलपर का रीजन बता चुका हूं कि 15 दिन के लिए तुम्हारे गेम प्ले का अपडेट ना भाई, मतलब कि बंद हो गया तुम्हारी काम। अब तुम्हारे 15 दिन बाद फिर दोबारा से काम स्टार्ट होने वाला है तुम्हारी गेम प्ले पे। अब जितने भी ग्लिच होंगे, जितने भी मॉडल पेंडिंग रह गए हैं, और जो मतलब कि स्कॉर्पियो क्लासिक का है एंड उसके अलावा और भी बहुत सारे मॉडल है, हरियाणा रोडवेज का है, वो मॉडल जितने भी पेंडिंग रह गए ना, तुम्हारे 15 दिन बाद जैसे ही तुम्हारे गेम डेवलपर आ जाएंगे उसके बाद तुरंत तुम्हारे गेम प्ले पर दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा काम। और आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आप सभी को स्कॉर्पियो गेटवे का जो न्यू मॉडल अपने गेम प्ले में ऐड हुआ है ना विद प्लेट भी ऐड किया, आप सभी को एक ऐसा ऑप्शन देंगे तुम्हारी मॉडिफिकेशन में कि जो तुम्हारे आगे प्लेट लगी हुई है ना, प्लेट लगी हुई है उस पर तुम अपना नाम डाल पाओ, ऐसे कस्टमाइज सेटिंग वाला भी बटन देने वाले हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि जो कस्टमाइज सेटिंग में बात कर रहा हूं उसे मॉडिफिकेशन वाले अपडेट में दे या नहीं दे। और ये जो अभी ऐड किया ना वो तुम्हारे डेमो के नाम से ऐड किया, आप डेमो के नाम से क्यों ऐड किया, क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से अभी तुम्हारे गेम में ऐड नहीं हुई है, अभी तुम्हें दिखाने के लिए ऐड की गई है आप सभी को कि स्कॉर्पियो गेटवे का जो न्यू मॉडल ऐड किया ना अपने गेम प्ले में वो किस तरह से दिखने वाला है। अगर तुम मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे इसमें कुछ कमी, तो हम क्या करेंगे कि जब दोबारा से काम स्टार्ट होगा ना तुम्हारे गेम प्ले में, तो जितने भी तुम्हारे गेम प्ले में ग्लिच होंगे, जितनी भी चीज होंगे ना, उनको हम सही कर देंगे। और मतलब कि तुम्हारा एक ग्लिच भी रह गया अभी, तुम्हारे मतलब कि जो पिछले अगले वाले टायर है ना वो एक साथ चेंज नहीं हो सकते, क्योंकि अभी ना भाई इसमें ग्लिच है, बहुत सारी ग्लिच है, एक दो ग्लिच नहीं है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि अभी ऐड करना बाकी है। जैसे तुम्हारे अगले वाले जो हेडलाइट है वो भी रह गए अभी ऐड करने को, एंड इसके अलावा जो तुम्हारे पिछले वाले एलॉय व्हील है वो भी रह गए ऐड करने को, मतलब जब पिछले वाले एलॉय व्हील चेंज करते ना अगले वाले तो चेंज हो जाते हैं, बट जो पिछले वाले टायर है ना वो चेंज नहीं होते, और जो तुम्हारे साइड वाला एलॉय व्हील है, इधर साइड जो लेफ्ट साइड वाला तुम्हारा जो एलॉय व्हील है वो थोड़ा केयर आए, मतलब कि थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिखता है, तो लाइक वो सभी अभी ग्लिच भी सही करने अपने गेम प्ले में, उसके बाद फिर प्रॉपर तरीके से अपने गेम प्ले में अच्छी तरीके से वर्क करने वाली है भाई। अभी तो ऑप्टिमाइज करनी है, अभी तो तुम्हें दिखाई है, अगर कुछ कमी लग रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, जिससे कि हम तुम्हारी स्कॉर्पियो क्लासिक का न्यू मॉडल, मतलब कि न्यू मॉडल तो नहीं बोलेंगे स्कॉर्पियो का, जो ओल्ड मॉडल है तुम्हारी स्कॉर्पियो S11 वाला, उसको मतलब कि चेंज कर देंगे। ये टॉप मॉडल ही है, ये वाला टॉप मॉडल ऐड किया है, वो भी टॉप मॉडल है अपने गेम प्ले में, पहले से जो स्कॉर्पियो नॉर्मल स्कॉर्पियो है जो अपने गेम प्ले में वो पहले भी ऐड किया था, वो भी वही सेम है स्कॉर्पियो S11, बस उसको क्या कर दिया, इसे गेटवे में चेंज कर दिया, पिकअप में, लाइक पिकअप बोलते हैं इसे, वैसे तुम्हारी स्कॉर्पियो कैंपर बोलेंगे, जो पीछे का स्पेस है वो कैंपर वाला होता है स्कॉर्पियो का, अब अपने गेम प्ले में ऐड कर दिया है। अगर कुछ चीजें चेंज करवानी है तुम्हारी स्कॉर्पियो पिकअप में या फिर बोल देंगे तुम्हारे कैंपर में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, जिससे कि हम इसका मॉडल में बता, जो चीज कमी होगी ना उसको हम चेंज कर देंगे, और ग्लिच भी सही होंगे जब तुम्हारे पास अपडेट आएगा ना इसके प्ले स्टोर पर, जब तुम्हारे पास ये इसको तुम चलाओगे जब, तब सबरे ग्लिच क्लियर करके ना तभी गेम प्ले में आप सभी को देने वाले हैं। एंड इसके अलावा तुम्हारे सिटी मैप में भी ऐड कर दिया, पर सिटी मैप में अभी क्या ग्लिच है, सिटी मैप में ऐसा ग्लिच है अपने गेम प्ले में अभी कि जब हम तुम्हारे पिछले वाले जो टायर है ना उनका साइज इंक्रीज करते हैं, तो पिछले वाले टायरों का साइज इंक्रीज नहीं होता, अगले वालों का तो हो जाता है बट पिछले वालों का साइज इंक्रीज नहीं होता, तो इसी वजह से अभी ग्लिच सही
करनी है इसके अपडेट में, और फिर उसके बाद अभी तुम्हें और केड़े केड़े मतलब कि जो बोले ना बहुत नेक्स्ट 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 लेवल, तुम्हें बहुत सारे ऐसे मॉडल ऐड हो चुके हैं जो कि आप सभी को पता ही नहीं है, आप गैस ही नहीं कर सकते ऐसे ऐसे मॉडल ऐड कर दिए अपने गेम प्ले में। जब तुम्हारे गेम डेवलपर गए थे ना, उन्होंने भाई ऐसे ऐसे मॉडल ऐड कर दिए अपने गेम प्ले, वो तीन चार दिन में ऐड किए भाई उन्होंने, मतलब तीन चार दिन में काम किया ना फुल फिनिश करके ऐड कर दिए। अभी आप सभी जानते हो ग्लिच रहेंगे अपने गेम प्ले में क्योंकि प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाए किसी के, भाई रीजन होता है घर में आप सब भी जानते हो। जैसे कि देखो मैं हूं ठीक है, अभी भी भाई बुखार आ रहा है उसके बावजूद मैं वीडियो बना रहा हूं, रीजन समझ रहे हो ना, क्योंकि आप सभी को अपडेट दे सकूं, अपडेट दे सकूं आप सभी को, इसी वजह से मैं वीडियो बना रहा हूं जिससे कि आप सभी को पता लगे कि अपने गेम प्ले में क्या ऐड हुआ और क्या क्या और ऐड होने वाला है। अब तुम्हारी जो स्कॉर्पियो क्लासिक में कैसे चेंज करनी है, तो देखो मैं आप सबको बता दूं अभी ऐसा कोई चेंज करने वाला ऑप्शन नहीं ऐड हुआ है। हां बट हम मतलब कि जो आप जीवाल अपडेट आएगा ना आप सभी के पास, उसके नेक्स्ट अपडेट मतलब कि जो अगले अपडेट में जब काम चलेगा ना दोबारा से बाइकर मोड पर काम करेंगे, उसके बाद आप सभी को ना इसमें स्कॉर्पियो की जो अगली वाली जो ग्रिल होती है ना क्लासिक वाली वो भी चेंज करने का ऑप्शन है, और अपने नाम का न्योन लाइट वाला नाम डालने का भी ऑप्शन देंगे ग्रिल पर। जैसे स्कॉर्पियो लिख रहे थे, महादेव लिख रहे थे लाइक, उसकी तरह आप सभी को आगे नाम लिखने का ऑप्शन देंगे मॉडिफिकेशन में। तो ये सब चीजें आप सभी को मॉडिफिकेशन वाले अपडेट में मिलेंगी, बट जो तुम्हारी स्कॉर्पियो गेटवे का जो ओल्ड मॉडल है स्कॉर्पियो का जो S11 का टॉप मॉडल है ओल्ड वाला, वो मॉडल आप सभी को इस अपडेट में देखने को मिलेगा। अगर जो ओल्ड मॉडल चला है ओल्ड मॉडल चला ले, और जो न्यू मॉडल चला है तो न्यू मॉडल चला ले। तो बाकी आप सब कमेंट सकते हो, कमेंट करके बताना, एंड आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।